अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बोट नेक के सूट की कटिंग बताऊंगी अस्तर वाले। देखिए, इसे हमने फोर फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पर ओपन साइड इस तरफ है और फोल्ड साइड हमारी तरफ है। अब हम सबसे पहले लंबाई लेंगे। हमारी लंबाई है 47 इंच, लेकिन ये अस्तर कम है। देखिए, इसमें 41 इंचेस आ रहा है। अस्तर कम रहा तो भी चलता है। ऊपर जो ये बनारस का कपड़ा है, इसके अंदर हमारी लेंथ 47 बराबर आ रही है। तो पहले हम अस्तर कट करेंगे, उसके बाद शर्ट कट करेंगे ऊपर का। तो देखिए, सबसे पहले लंबाई का हमने ले लिया है। फोल्ड साइड में 41 आ रही है। बोट नेक के लिए शोल्डर हम 7.5 कट करेंगे, यानी कि बॉडी का जितना भी शोल्डर है उतना हम इसमें ले लेंगे। बॉडी पर जो मेजरमेंट है वो शोल्डर का 15 इंच है। 15 का हाफ करते हुए हमने 7.5 लेना है। इसके बाद हम 7.5 आर्मोल का निशान लगाएंगे, यानी बगल का। अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 20 इंचेस। 20 का हाफ आता है 10 इंचेस, 20 का आधा 10 इंच। और यहाँ पर हम 2 इंच की मार्जिंग लगाएंगे। और यहाँ पर हम 1 इंच का टेप को क्रॉस करते हुए राउंड बनाएंगे इस तरह। देखिए, शोल्डर 7.5 है, बगल आर्मोल भी 7.5 है, चेस्ट हमारा 10 है और यहाँ पर 2 इंच मार्जिंग है। अब इसके बाद हम वेस्ट की लंबाई, कमर की लंबाई ऊपर से टेप रखते हुए लेंगे। 14.5 इंच पे कमर लेंगे हम, और हिप की लंबाई हम 22 इंचेस पे लेंगे। देखिए, ऊपर टेप रखते हुए ही हम 22 इंचेस पे हिप की लंबाई लिए हैं। अब हम कमर की चौड़ाई लेंगे 17.5 यानी 17.5 इंच। 17.5 इंच का आधा होता है 9.25 इंच, 9 इंचेस में 2 पॉइंट कम। अभी हम 2 इंच मार्जिंग लेंगे और हिप की चौड़ाई हमारी 21 है, 21 का आधा आता है 10.5, और यहाँ पर 1 इंच मार्जिंग। देखिए, हमें अंदर के निशान से अंदर के निशान को इस तरह मिलाना है और बाहर के निशान से बाहर के निशान को। अब इसके बाद हम दामन लेंगे। दामन हमारा 26 है, लेकिन लेंथ हमारी अस्तर में कम है, इसके लिए हम 25 यहाँ पर लेंगे। जब ऊपर की कुर्ती आएंगी तो उसमें ऊपर की कुर्ती में 26 लेंगे। देखिए, 1 इंच मार्जिंग हम दामन में लेंगे, यानी कि टोटल हमारा 13.5 हो चुका है। अब इस डायग्राम को हम कट कर लेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर के पास से कट करेंगे। इसके बाद हम आर्मोल कट करेंगे। इसके बाद बाहर से जो भी हमने निशान लगाया हुआ है उस हिस्से को हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह अब हमें कट लगाना है। ये हमने चेस्ट के पास कट लगाया है, ये वेस्ट की चौड़ाई के पास, और यहाँ पर हमें हिप के पास कट लगाना है। तो इस तरह हमने अस्तर कट कर लिया है बोट नेक का। अब हम इसे ही, ये देखिए कॉलर की तरह हमारा शोल्डर बड़ा होता है। अब हम इसे कुर्ती पर रखते हुए कट करेंगे। देखिए, हमारी बनारस की कुर्ती का कपड़ा है ये, इसे हम अच्छे से बिछा लेंगे। ये हमारा प्लेन साइड का हिस्सा बैक साइड का है और ये प्रिंट का फ्रंट साइड का है। तो इसे हम अच्छे से घड़ी करते हुए बिछाएंगे। देखिए, इसे हमने 14 इंच बिछा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने इधर तरफ छोड़ दिया है क्योंकि हमारा दामन 13 इंचेस है, इसके लिए हमने इसमें 14 इंच का कपड़ा मोड़ लिया है। अब हम इस पर अस्तर रखेंगे जो हमने कट किया हुआ था। देखिए, इस तरह हम इसके ऊपर अस्तर रखेंगे। शोल्डर के पास से हम पूरा इस तरह रखेंगे क्योंकि हमने नीचे दामन में बराबर लिया हुआ है। और पहले लंबाई माप लेंगे। रेडी लंबाई हमारी 47 इंचेस है। तो शोल्डर के पास से हम इस तरह टेप रखते हुए नीचे दामन में 47 में 2 इंचेस मिलाकर 49 ले सकते हैं। देखिए, कंप्लीट हमारा यहाँ पर
49 इंचेस आ रहा है। सी करिए कम होता है। अब हम इसे सेम इसी तरह रखते हुए अस्तर को कट कर लेंगे। हमें शोल्डर के पास से कटिंग करना है। देखिए इस तरह हम पूरा नीचे तक कट कर लेंगे। ये हमारा अस्तर के ऊपर रखते हुए ऊपर की कुर्ती कट हो चुकी है। अब हम नीचे दामन में मोड़कर सिलाई करने पर इसकी लेंथ कम होती है। अब हम आस्तीन कट करेंगे। देखिए हमारा ये आस्तीन का कपड़ा है। देखिए इस तरह हम आस्तीन की लंबाई लेंगे। आस्तीन की लंबाई में हम 12 में 1.5 मिलाकर 13.5 इंचेस ले लेंगे। देखिए कोनी तक के आस्तीन है हमारे, जो हमने 13.5 इंच की लंबाई ले ली है। अब ऊपर से हम 3.5 इंच पर एक निशान बनाएंगे और कट बगल मापेंगे। हमने जो ड्रेस कट किया हुआ है इसका बगल हम इस तरह माप लेंगे। देखिए ये 11.5 इंचेस है, तो हम ये लकीर को इस पर आगे खींचेंगे और इस तरह लंबाई के निशान से क्रॉस रखते हुए 3.5 इंच पर क्रॉस रखते हुए इतना जॉइंट लेना है हमें। इस तरह हम 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमारे आस्तीन की चौड़ाई है 6 इंचेस, 2 इंचेस मार्जिन लेंगे और इसे हम शेप देते हुए कट करेंगे। अब देखिए हमें इसे यहाँ पर इसका जॉइंट ले लेना है जो बचे हुए टुकड़े में। इस तरह हमें इसे रखते हुए 1/2 इंच हम कपड़े के ऊपर रख देंगे और इसमें 11.5 इंच का निशान बना देंगे। ये देखिए इस तरह हमारे ये 2 जॉइंट निकल चुके हैं और इसी तरह हम और इसे कट कर लेंगे 2 जॉइंट को। तो इस तरह हमारे ये आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे अस्तर पर रखते हुए कट कर लेंगे। देखिए अब हम नेक की कटिंग बताएंगे। नेक की कटिंग के लिए हम गले की चौड़ाई 4 इंचेस लेंगे और गले की लंबाई 3.5 इंचेस लेंगे। आप चाहे तो 4 इंचेस भी इस तरह ले सकते हैं। इस तरह हम स्क्वायर में बॉक्स बना लेंगे। देखिए यहाँ से 4 इंचेस और यहाँ से भी हमने 4 इंचेस कर दिया है। 3.5 इंचेस भी ले सकते हैं और इसे इस तरह राउंड बना लेंगे। आगे पीछे पूरा बॉट नेक है तो हम इसे इस तरह कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमारा ये बॉट नेक कट हो चुका है। अब हम इसमें से एक अस्तर निकाल देंगे क्योंकि हमें पीछे जिप लगानी है। एक अस्तर को और एक सामने के हिस्से को निकाल देंगे और पीछे जिप के लिए हम इसमें कट कर लेंगे अस्तर को भी और पीछे के कपड़े को भी। देखिए कट करने के लिए हमें बीच के सेंटर से हमें 14 इंच पर कट करना है। तो इस तरह हम निशान लगा लेंगे और 14 इंच कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने 14 इंच पर निशान लगाया है। हमें जिप लगाना है तो इसे इस तरह बीच में से हम ओपन कर लेंगे। 14 इंच के उतना बराबर हम अस्तर को भी ओपन करेंगे। इस तरह पहले कट करने से सेंटर में आती है जिप। देखिए इस तरह हमारा ये बीच में से जिप लगाने के लिए 14 इंच ओपन हो चुका है। सीधे कपड़ा रख लेंगे हम इसे खुला करते हुए सिलाई करने से पहले। जिप लगाने के लिए हम इसमें विथआउट पट्टी से जिप लगाएंगे, यानी कि अस्तर को ही हम पलटी कर लेंगे। इसे इस तरह हम इसके अंदर, ये हमारा सीधा कपड़ा है और ये हमारा उल्टा कपड़ा है। सीधे कपड़े पे हम इस तरह सिलाई ले लेंगे
इस तरह सिलाई लेने के बाद यहाँ पर दो छोटे छोटे कट लगाएंगे हम। दो छोटे कट लगाने के बाद इस अस्तर को अंदर की तरफ पलटी कर लेंगे, उसके बाद हम जिप लगाएंगे। देखिए इस सीधे कपड़े पर हमने अस्तर को रखते हुए सिलाई कर ली है। इस तरह हमारी ये सिलाई किनारे पर एक दाब की हो चुकी है और इसके बाद हमने नीचे की तरफ कट भी लगाया है। देखिए इन दोनों यानी कि हमारी सिलाई नहीं कटना चाहिए, इस तरह हमने कट लगाया है ताकि हमारा फिनिशिंग में कपड़ा आ जाए। अब हम इसे ओपन करेंगे यानी कि इस अस्तर को खोल देंगे और खोलते हुए एक साइड सिलाई ले लेंगे। देखिए हमारा ये कुर्ती का कपड़ा है और ये अस्तर का, तो हमें इसे इस तरह खोल देना है। खोलने के बाद इस पर सिलाई लेनी है। देखिए इस तरह हमें इस पर सिलाई लेनी है खुला रखते हुए। देखिए हमने पूरा अस्तर के ऊपर सिलाई ले ली है, कपड़े पर सिलाई नहीं आई है, इस अस्तर पर हमारी सिलाई आई है। अब हम इसे बंद करेंगे और जिप यूज कर लगाएंगे। बंद करने का मतलब है अस्तर जोड़ लेंगे। देखिए अस्तर को हमने अंदर की तरफ इस तरह पलटी कर दिया है, अब हम इसे अस्तर को जोड़ लेंगे। इसी तरह हम पूरा अस्तर ज्वाइंट कर लेंगे इधर साइड में भी और इस साइड का भी। इसी तरह पूरा ज्वाइंट करने के बाद हम जिप लगाएंगे। देखिए हमने पूरा अस्तर चिपका लिया है साइड से, अब हम जिप लेकर जिप लगाएंगे इसमें। पहले हम जिप को ओपन कर लेंगे। इस तरह जिप को हमने खोल दिया है। अब इस साइड हम आधी जिप दिखे जैसा, आधी जिप हमारी बाहर की ओर दिखना चाहिए वैसा लगाएंगे। देखो इस तरह हम जिप को अटैच करेंगे यानी कि हमारी ये आधी जिप बाहर दिखनी चाहिए। इस तरह हम पूरा नीचे कोने तक सिलाई करेंगे और यहाँ पर स्विंग को अटका कर रखेंगे। देखिए इस तरह स्विंग को अटका कर हमने इस कपड़े को इसके ऊपर रखना है। पहले हमने जिप दिखे जैसा सिलाई ली थी, अब हमें जिप नहीं दिखाना है। इसे इस तरह रखते हुए हमें यहाँ पर रफ कर लेना है आगे पीछे। देखिए इस तरह आप स्विंग को हम अंदर की तरफ अटका लेंगे और इस तरह रखते हुए अब हमें कपड़ा जिप के ऊपर रखना है। पहले हमने जिप दिखे जैसे ही लगाई हुई थी, अब हमें जिप के ऊपर कपड़े को रखना है और कपड़े को रखते हुए हम सिलाई करेंगे। थोड़ी दूर पर से हम सिलाई लेंगे इस तरह। देखिए इस तरह हमारी सिलाई गैप करके आनी है दूर से। इसी तरह पूरा सिलाई कर लेंगे हम। देखिए इस तरह हमारी जिप लग चुकी है कंप्लीट। अब इसके ऊपर हम जब इस्तरी करते हैं यानी कि आयरन करते हैं तो ये फिनिशिंग में आ जाती है। यहाँ पर एक लाइट चुन लिया है हमने, तो बगैर पट्टी के इस तरह हम जिप अस्तर को पलटी करके लगा सकते हैं। अब हम इसके गले की पट्टी अलग अलग करके लगाएंगे, इधर की आधी अलग और इधर की आधी अलग। इस तरह जिस तरह हम ड्रेस की पट्टी लगाते हैं उसी तरह पूरा ड्रेस हम कम्प्लीट कर लेंगे। अब आइए दूसरी यानी कि अस्तर को चिपकाने के बाद पट्टी के साथ किस तरह जिप लगाते हैं वो तरीका बताऊंगी। देखिए ये दूसरा तरीका है। पहले हमने अस्तर चिपका लिया था, फिर पट्टी लगाकर इस तरह हम जिप लगा सकते हैं पट्टी के जरिए। सेम उसी तरह हम जिस तरह अस्तर हटा के रखे थे पिंक ड्रेस में, उसी तरह हम ये खरबूजे कलर की कपड़े को हमने पट्टी लगा लिया है और ये इस तरह ओपन करके अलग से पट्टी लगा रहे हैं। यानी कि अस्तर पहले चिपका लिया था, बाद में हमने पट्टी लगाई है। अब इसे इस तरह फोल्ड करते हुए जिप लगाएंगे। देखिए पहले जिप को हम ओपन कर लेंगे, इस तरह खोल लेंगे और इसमें आधा हिस्सा इस तरह रखते हुए हम इसमें मतलब जिप का हमारा आधा हिस्सा दिखना चाहिए। पट्टी अंदर करते हुए इसे हम सिलाई करेंगे। ये ज्यादा कपड़ा कट कर लेंगे हम। देखिए इस तरह हमारी पूरा नीचे तक हम सिलाई करेंगे जहां तक हमें जिप लगानी है कोने तक। कोने में हम स्विंग को अंदर अटका कर रखेंगे और इस तरह इस कपड़े को पलटी करेंगे। इसके बाद हम जिप को बंद करेंगे। अब जिप बंद होने के बाद हम दोबारा ये कपड़े को सीधा कर लेंगे
अब देखिए इस पट्टी को अंदर करते हुए हम यहाँ एक चून लेंगे, यहाँ पर हमें चून लेनी है। पहले ऊपर से हम बराबर करते हुए आएंगे, पट्टी को बराबर पकड़ते हुए आएंगे इस तरह। हमारी जिप नहीं दिखनी चाहिए, इस तरह कपड़े को इसके ऊपर रखकर यहाँ पर देखिए बारीक से एक चून लेंगे हम इस तरह, और यहाँ रफ करेंगे यानी कि सिलाई को लॉक करेंगे। इसके बाद हम बंद जिप रखकर ही सिलाई करेंगे। देखिए ये बंद जिप है, लेकिन कपड़ा हमें इसके ऊपर रखना है। यहाँ पर ये जो हमारी सिलाई है, यहाँ पर हमें कपड़ा रखना है और सिलाई हमें थोड़ी दूरी पे मारना है। इस तरह हम पूरा ऊपर तक सिलाई करेंगे। देखिए अब ये जो ज्यादा है हमारे कपड़े, हम इसे कट कर ले। देखिए इस तरह हम जिप को ओपन करके बता रहे हैं, ये थोड़ा ऊपर की तरफ आया हुआ है कपड़ा और ये अंदर की तरफ, तो इस तरह हमारी जिप लग चुकी है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।